हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं डिप्रेशन न्यूज चैनल से हूँ। मेरा कैमरामैन उधर है, थोड़ा आप उनको हाई बोल देंगे क्या? ओके। एंड आप इतना डिप्रेस क्यों दिख रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है क्या लाइफ में? मतलब यहाँ पर तो पार्क में आप बैठे हैं, यहाँ पर हर कोई कपल के साथ आए हैं, आप यहाँ पर सिंगल अकेले और इतने टेंशन में बैठे हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम आखिर क्यों है? प्रॉब्लम मैं चाहता हूँ मैं लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर मैं लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ मैं लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, पर बाई डिफॉल्ट पता नहीं मैं लाइफ में प्रॉब्लम ही आ जाता है। मैं लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पैदा ही क्यों आऊँ। मैं जब मैं पैदा होता मैं पापा मम्मी बोल रहे कि बेटा तू तो इंजीनियर बनेगा, अरे सांस तो लेने दे, अभी तो पैदा हुआ हूँ। मैं जब अपना 10th पास किया, मैं पापा ने कहा बेटा +2 पास कर ले, उसके बाद आराम ही आराम है। +2 पास कर लिया, मैं सोचा कि अब तो आराम आ ही जाएगा। उसके बाद मैं पापा ने कहा कि बेटा अब तो बीटेक भी पार कर ले, उसके बाद तो लाइफ में आराम ही आराम होगा। मैं सोचा ये आराम क्या है? कौन है ये आराम? कोई फेस्टिवल है या कोई सीजन है? आखिर आता क्यों नहीं है? उसके बाद इस चक्कर में अपने 4 साल बीटेक भी खत्म कर लिया, तो भी आराम नहीं आया। उसके बाद पापा ने कहा कि बेटा अब तो बीटेक खत्म हो गया, अभी शादी कर ले, उसके बाद तेरे लाइफ में आराम ही आराम है। मैं सोचा अभी मुझे पता चला ये आराम कुछ नहीं है, ये आराम वो फैंटेसी है जो हर मर्द के दिलों में बसता है, पर उसको पाना नामुमकिन है। उसके बाद मैं पापा ने कहा बेटा अभी तो नौकरी कर ले, अभी शादी कर ले, उसके बाद आराम ही आराम है। उसके बाद अभी रियलाइज हुआ ये आराम फराम कुछ नहीं होता है। ये 25 साल से मैं बेवकूफ़ की ज़िंदगी जी रहा था। उसके बाद एक इंसान को क्या चाहिए, एक आम आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और चैन की सुकून की नींद। साला वो भी नसीब नहीं होता है। अगर शादी के बाद बीबी की बात मानो तो माँ के सामने चोरू का गुलाम, अगर माँ की बात मानो तो बीबी के सामने माँ का लाडला। तो करूँ तो क्या करूँ? सुबह 8 बजे उठो, 10 से 8 बजे, रात के 8 बजे तक ऑफिस जाओ, उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस करो। अगर ठीक टाइम से स्वयं और एमसीएल डिपोजिट ना करो तो टीचर कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा। अगर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से अगर मैं पैर खराब हुआ है या फिर मैं कुछ बीमारी हुआ है, अगर कुछ अपना पर्सनल एक्सक्यूज अपने बॉस को बताओ ऑफिस में, तो बॉस कहता है भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उसके रात में घर पे लेट पहुंचने के बाद मैं वैसे मैं बीबी मारती है। क्या आपको बीबी मारती है आपको? अरे बेटा वार्ड पे मत जा, भावना को समझ। वैसे मैं सोचा क्या था कि 2 मिनट आया हूँ पार्क में बैठूंगा, कौन सा घटिया चैलेंज से मुझे चैन से बैठने के लिए लेते हो। अरे उठ यूपी कैमरा बंद कर, नहीं तो चश्मा फेंक कर मारूंगा। तू क्या देख रहे? निकल निकल निकल। तू क्या देख रहे?